आज हम घूमेंगे और जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो धर्मनगरी वाराणसी में होने वाले पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है और इस परिक्रमा पथ पर स्थित 5 पड़ावों में से एक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपिलधारा मंदिर की, जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का अंतिम पड़ाव स्थल भी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल आओ घूमे जाने पर। यह मंदिर वाराणसी के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह विशाल मंदिर है जिसमें भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं। इसे कपिलधारा मंदिर के अलावा कपिलेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्थापना स्वयं कपिल मुनि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व की गई थी। यह मंदिर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर दाहिनी तरफ और बाईं तरफ धर्मशालाएं स्थित हैं, जिसमें श्रद्धालु यात्रा के समय विश्राम करते हैं। पंचकोसी परिक्रमा पथ पर स्थित अन्य पड़ावों की तरह इस मंदिर में भी एक कुंड है जो काफ़ी मनोरम लगता है। इस कुंड में श्रद्धालुओं द्वारा मुंडन, संकल्प आदि कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं। इस कुंड की समय समय पर सफाई भी की जाती है। महादेव का यह मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ काफ़ी भव्य और विशाल है और अत्यंत शांत व सुंदर स्थल है, जो दर्शनार्थियों को काफ़ी सुकून देने वाला है। इस मंदिर में आपको अन्य देवी देवताओं के भी छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, जिन्हें देखकर मन काफ़ी आह्लादित हो उठता है। जब हम इस मंदिर में पहुँचे तो यह मंदिर खाली था। हो सकता है कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की कमी चल रही है। दर्शनार्थियों की कमी होने के कारण दर्शन पूजन करने में हमें काफ़ी आसानी हुई। जैसा मैंने पहले बताया, छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं अन्य देवी देवताओं के, और आप देख रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर, और नीचे ये भगवान भोलेनाथ। ये दुर्लभ अष्टभुजा गणेश जी का मंदिर, और साथ में ये कपिल मुनि का भी मूर्ति लगा हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं अष्टभुजा श्री गणेश जी के 8 हाथ। हाँ, ये जो है पंचकोसी यात्रा का अंतिम पड़ाव है कपिलधारा। ये भोलेनाथ जो स्थापित है, ये तो आप से समूह है, आप से निकले हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर ये है, महात्म यहाँ पर है, मगर 7-8 हजार वर्ष हो गई है। अच्छा, 8 हजार इससे कम नहीं होगा। बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं से मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, और सामने ही मंदिर के ये विशाल कुंड। और समय समय पर इस कुंड की सफाई व्यवस्था भी होती रहती है। अत्यंत पुराना और प्राचीन होने के कारण यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का एक अहम पड़ाव होने के कारण भी यह काफ़ी प्रसिद्ध है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी परिक्रमा के दौरान यहाँ पर
काफ़ी भीड़ होती है। सावन के मेले में भी सावन के महीने के दौरान यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।